प्रदेश के विश्वविद्यालयों में गड़बड़ी की शिकायतों से परेशान राज्यपाल राम नरेश यादव ने पीयू के दीक्षांत समारोह में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कई बार तो इन शिकायतों में उनके 2 घंटे खराब हो जाते हैं, लेकिन इनमें ना तो शिकायतकर्ता का सही नाम होता है और ना पता। दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश दलवीर भंडारी मौजूद थे। समारोह में 21 गोल्ड मेडल के साथ 314 स्टूडेंट्स को मेडल दिए गए। पिछले 2 साल से 10वीं के अलावा 12वीं की मार्कशीट पर भी माध्यमिक शिक्षा मंडल डेट ऑफ बर्थ दे रहा था, लेकिन बोर्ड अगले साल से 12वीं की मार्कशीट पर स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ अंकित नहीं करेगा। दरअसल इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स द्वारा संशोधन कराए जाने के चलते अब बोर्ड ने पुरानी व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया है। दिल्ली में हुए गैंगरेप घटनाक्रम के बाद भोपाल पुलिस भी गर्ल्स स्कूल, कॉलेज और बाजारों पर ध्यान रखते हुए मनचलों की खबर ले रही है, लेकिन पुलिस का ध्यान उन स्थानों पर नहीं जा रहा जहां रोजाना अश्लीलता होती है। शहर में ऐसे कई पार्क हैं जहां पर प्रेमी जोड़े अश्लील हरकतें करते देखे जा सकते हैं। शहर के उन्हीं चुनिंदा पार्कों में से एक है शाहपुरा स्थित ऋषभ देव पार्क, जहां प्रेमी युगल पार्क खुलने का इंतजार करते हैं। डर के कारण वॉचमैन भी अश्लीलता को अनदेखा कर जाते हैं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और बलात्कार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने इतवार चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपराधियों का पुतला दहन कर प्रदेश सरकार से अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग की। साथ ही सीपीआई ने महिलाओं के खिलाफ की जा रही राजनीतिक बयानबाजी की भी आलोचना की। जिला प्रशासन ने तंबाकू गुटखों की बिक्री करने वाले 2 व्यापारियों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया है। दोनों व्यापारियों से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में गुटखा जब्त किया था। इनके अलावा मिलावटी तेल, दूध, नमकीन बेचने वाले व्यापारियों पर भी 10 से 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। न्यू मार्केट के व्यापारियों ने खुद 4.5 लाख रुपए जमा कर मार्केट का कायाकल्प करने का मन बनाया है। इसी के तहत मार्केट के अंदर ब्लॉक्स की रोड बनाई जा रही है, साथ ही इस रोड के आसपास गंदगी ना हो इसे देखते हुए व्यापारी महासंघ ने हर दुकान के सामने डस्टबिन रखवा दिए हैं। अब इस व्यवस्था को पूरे मार्केट में लागू करने की योजना है। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के तहत नए पेट्रोल पंप आवंटन पर लगी रोक इस महीने पर हट जाएगी, जिसका पेट्रोलियम कंपनियों को बेसब्री से इंतजार है। कंपनियों को लगातार घाटे के चलते नए पेट्रोल पंप आवंटन पर रोक लगाई गई थी। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों ने इस पर आपत्ति जताई है और नए पंप आवंटित न करने की मांग की। बिजली की होती बर्बादी को लेकर भले ही सरकार चिंतित न हो, लेकिन शहर के ये ऐसे बाशिंदे हैं जो हजारों रुपए की बिजली की बचत कर रहे हैं। अपने घर में होम सोलर सिस्टम से न केवल बिजली बचा रहे हैं बल्कि निस्तार में इस्तेमाल हुए पानी को भी दोबारा उपयोग में ले रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की इन्वेस्टर्स मीट और MOU साइन की CAG से जांच कराने की मांग की है। उसने आरोप लगाया कि निवेश के नाम पर किसानों से जमीन लेकर दूसरे लोगों की दी गई है, जिन पर उद्योग की जगह कॉलोनी बनाई गई है। कांग्रेस ने कहा कि निवेश सिर्फ कागज में हो रहा है और किसानों की जमीन हड़पी जा रही है। अर्जुन नगर के निवासियों ने नगर निगम के माता मंदिर चौराहे पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। लोगों का आरोप था कि उन्होंने नियमानुसार चुनाव कराकर 700 सदस्यों की मोहल्ला कमेटी बनाई, लेकिन नगर निगम ने राजनीतिक दबाव में उस समिति पर रोक लगा दी। गुजरात में मुनिश्री प्रबल सागर महाराज पर हुए प्राणघातक हमले का जैन समाज ने विरोध किया। समाज ने राजस्थानी के टीटी नगर स्थित जैन मंदिर पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन धरना दिया और नरेंद्र मोदी सरकार से जैन समाज के तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा की मांग की है। भोपाल उत्सव मेले में प्रस्तुति देने राजधानी आई भजन गायिका शहनाज अख्तर का कहना है कि भजनों का रीमिक्स और इसमें दिखाई जा रही फुहरता गलत है, इससे इसके भाव और आस्था पर असर पड़ता है। रेड रोज स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स मीट आयोजित की गई, जिसमें 3 स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। स्पोर्ट्स मीट का विषय इस साल प्रकृति के संरक्षण पर केंद्रित रहा। इस अवसर पर हॉकी ओलंपियन धनराज पल्ले मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भोपाल उत्सव मेले में शनिवार की शाम भजन संध्या के नाम रही। भजन गायिका शहनाज अख्तर ने अपने एक से बढ़कर एक भजनों से यहाँ मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेले में मौजूद लोग देर रात तक भक्ति रस की गंगा में गोते लगाते रहे। अंकुर ग्राउंड पर खेली जा रही अंडर-15 क्रिकेट प्रतियोगिता में पहला सेमीफाइनल मैच होशंगाबाद और अंकुर ग्रुप की टीम के बीच खेला गया, जिसमें अंकुर अकादमी ने जीत हासिल की। अंकुर ग्रुप ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 40 ओवरों में 204 रनों का लक्ष्य होशंगाबाद की टीम के सामने रखा, जिसके जवाब में होशंगाबाद की टीम ने 119 रनों पर सिमट गई। प्रतियोगिता का फाइनल सोमवार को खेला जाएगा।